रेस दो जरा रेस। सुपर कार है V8 इंजन। ये क्या है बॉक्स में क्या है? पीछे भी है। पीछे आने से मेरी वाली सारी गाड़ी से मेरी वाली मशीन ले आना। कितने बजे गई थी तुम घर से? मेरे ऊपर के चिल्ला रहे हो। टुकड़े कर दूंगी टुकड़े। दीक्षा दीदी लॉन्ग राइड पर जा रही है GT में। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज इस ब्लॉग की शुरुआत हुई गाइस भव्या से। भव्या ने हमारी GT बाहर स्टार्ट कर दी थी और मैं अंदर बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा जी भी आने वाला भैया की खौफ देख रहे हो मेरा? खौफ गाइस खौफ छोड़ो, ये ना GT स्टार्ट करी थी, मैंने कहा लग गई मेरी GT पीछे से कहीं। और ये चाबी ना अंदर चाहिए होती गाड़ी के, बाहर नहीं रखनी होती। क्या हो गया? इसको ऐसे गले में पहन के घूमना होता गाइस। फिलहाल गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं GT को पीछे एंड भव्य निकालेगी थार। एक्चुअली घर का सामान लाना था, यू ऑलरेडी ऑन द लास्ट ब्लॉग, बट गाइस हम लोग जा ही नहीं पाते तो फिर भव्य सामान लेकर के जाएगी। मेरे को भी ब्लॉग एडिट करना है, ब्लॉग भी पोस्ट करना है गाइस। वो तो शुक्र है गाइस कि भव्य घर पे रहती है तो मेजॉरिटी ऑफ द काम हमारे हो जाते हैं। ऐसी बहन भगवान सबको दे जो घर का ध्यान रख सके एंड घर का काम भी कर सके। एंड मेरे को उसको आजकल बिजी भी रखना, बिकॉज घर पे जाएगी ना तो फिर वही टेंशन वाला मूड जाएगा उसका। अभी गाड़ी बैक करते हैं गाइस और फिर मिलते हैं आपको एडिटिंग टेबल पर। तो गाइस भव्या जा रही है सामान लेने के लिए, घर का सारा सामान लेकर के आना। और यहाँ भी मैं ही काम करती हूँ आंटी, घर पे भी मैं ही काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ मम्मी घर पे तो बहुत। इसकी मम्मी ने इसके लिए वो खाना खिलाया आंटी ने इतने प्यार से, कल रात मैगी बनाने के लिए बोला था गाइस। मैंने से रात को 2 बजे बोला था, वो कहाँ से बनाती है खाना? आंटी उसने अंडा बनवाया, सो गई, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अभी लेके आओ मैगी ना पूरी भर भर के ले आना, ठीक है? पर बनाऊंगी नहीं, आप रात को 2 बजे मेरी गाड़ी से उतरा डिस करवा दूंगा कलमिंग से, समझ रही हो? कलमिंग के लिए मैगी आएगी ना। आराम से ना भाई, ठोकना मत गाड़ी, मैं नहीं चला रही, खुद चला लो। भाई खुद। एक दिन मेरी KTM ठोक दी गाइस पूरी और फिर बताया भी नहीं मेरे को। सामान लेने जा रही है लेकिन बिल लेकर के आना, पहले बता दिया क्यों? क्या कहीं अपनी अपनी रोकड़ा काट लिया उसमें से? देख रहा हूँ आंटी, वो तो देख ही रहा हूँ, ऐसी है ना वो तो, में से वो अलग ही है, ठीक है? 1000 में मेरी बहन है गाइस। चलो आराम से आना, वो लगे लगे इधर से बाबा जी को मत दबाना उधर, चलो उधर आराम से। गाइस फाइनली बेड रेडी हुआ था एंड हियर इज आवर नाश्ता। भव्या गई अभी दीक्षा दी एंड हर्ष को पिक करने के लिए। हम सब लोग गाइस दिल्ली जा रहे हैं एंड अभी वो चीटी का काम भी कराना है हरिद्वार में, तो फटाफट मैं नाश्ता करता हूँ, नहा धो करके मिलता हूँ गाइस। फिर दीक्षा दीदी और भी घर पे आ रहे तो मिलाते हैं आपको उनसे। सो गाइस हम लोग हुए थे रेडी जाने के लिए और ये लोग इतना लेट है ना भाई, कसम से भाई। भव्या कितने बजे गई थी तुम घर से? मेरे ऊपर के चिल्ला रहे हो। फिर कितने रेडी नहीं थे? तो नहाए हैं, उसके बाद कपड़े पैक किए हैं। तो यार ये लोग आए एंड ये लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं हमें। भाई कितने बजे बोला था आने के लिए? मालिक GT का काम नहीं होगा, पता तेरे को 5 बज चुके हैं, हमें 6 बज रेडी हूँ क्या? हाँ भाई मैं रेडी हूँ, कब से निकल रहे बस। कहाँ रेडी हुआ? भव्या ने कुछ पैकिंग ही नहीं करी। भव्या पैक कर लिया, ड्रोन का बैग पैक कर लिया, कपड़े रख दिए मेरे, खुद निकल जाओ। मैंने कर दिया सब, मैं एडिटिंग करूँ या करूँ, खुद निकलो, खुद तैयार हो गए, खुद निकल जाओ। मेरी बहन को कोई नहीं चाहिए गाइस, ये लो भव्या हेलमेट पहन लो गाइस। अभी भव्या और मेरी तुम तो चुप जाओ, देख से गाइस भव्या और मेरी अभी इतनी भयंकर लड़ाई, हेलमेट तो पहन लो आगे रुक जाओ गाइस। कॉम्प्र हो गया अभी, एक तो इतना लेट करती है ना इसने ड्रोन की बैटरी चार्ज करी ना इसने। मैं नहीं, हम भी देखेंगे ड्रोन की बैटरी कितना उड़ा लेगा, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे तो कितना उड़ा लेगा लाले। गाइस ड्रोन का बैग फेंक देता आज तो गुस्से में, भयंकर टूट गया मेरा ड्रोन, टूट गया। क्या वो क्या होता है, पॉप्सिकल्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? छी आजा मेरी बहन को कोई नहीं छुएगा भाई। अब ये वो GT में हेलमेट पहन करके जाएगी गाइस। भव्या जा रही थी गुस्से में घर। सो हेलो जी, फाइनली गाइस हम लोग पहुंचे थे घर और आज वाला ब्लॉग थोड़ा खतरनाक शुरू हुआ, बिकॉज आज भव्या ने सुबह से कुछ काम नहीं कर रखा था, बट एट द एंड हम जा रहे थे, सारा सामान पैक हो चुका है, इट्स ऑलरेडी लाइक 5 फॉर नाउ गाइस। एंड अभी हम लोगों को हरिद्वार जाना था गाइस। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देता हूँ हम लोग हरिद्वार क्यों जा रहे थे। हम लोगों को ना GT का वो डोर ठीक करा रहा था, तो मैं बता देता हूँ ट्रिप पे कौन कौन जा रहे हैं। दीक्षा दी जा रही है हमारे साथ ट्रिप पे। भाई ये कितनी मस्त स्वेटर लग रही है, नानी ने बुकी क्या? किसने बनाई? नानी ने बनाई, रेडीमेड भी मिलती है आजकल मामा ने। और गाइस सोनाली इज ऑल्सो हियर, इसका भी कोई घर बार नहीं रहा, वो हमारे साथ ही घूम रही है। तो बस हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, सारा सामान हम लोग गाड़ियों में डाल रहे हैं। एंड मैं आपको बता देता हूँ हम लोग ना 2 गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, एक थार और एक GT। थार हम लोग इससे लेकर के जा रहे हैं क्योंकि GT पे इतना लोड नहीं डाल सकते लॉन्ग रूट के लिए। सो फटाफट पैकिंग करते हैं गाइस और निकलते हैं घर से। सो गाइस हियर इज आवर GT और आगे हमारी थार और हमारी ये दोनों गाड़ियां जा रही है। और चेक दिस आउट गाइस, आजकल ना एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, उसने क्या कर रखा है साइड वाला हाल। हां भाई दीदी आमने सामने कैसी लग रही है GT तो बता दो। प्रेमनगर में कहाँ देखी थी? मॉडिफाइड नहीं देखी थी, देख ली थी, अच्छी लग रही है, अभी मैं बैठूंगी तो तब ज्यादा अच्छी लगेगी।
गाइस तब इसका माइलेज और गिर जाएगा। हम लोग दो गाड़ियां इसलिए लेकर के जा रहे हैं बिकॉज जीटी पे हम लोग ज्यादा लोड नहीं डाल सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट राइड होने वाली है लॉन्ग। गाइस दीक्षा दीदी और मैं जा रहे हैं जीटी में और हर्ष और सोनाली और भव्या थोड़ी देर में आएंगे, एक्चुअली घर का कुछ सामान लेकर के आ रहे हैं। ये देखो गाइस, हां तूने जो ड्रोन फेंकी थी हमने उठा ली, फिक्र मत कर तू। गाइस ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग एंड अभी बहुत सारा काम भी कराना है। दिक्कत ये है कि 6 बजे तक ना प्रणव भैया का जो मैकेनिक है ना वो चला जाएगा, तो फिर आई रियली डोंट वांट दैट क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, तो फटाफट से ठीक करवाते हैं यार। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं जीटी में, आई गेस शरदा भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो पूरी गैंग हमारे साथ निकल रही गाइस। हेलो जी गाइस, घर से तो निकल चुके थे हम लोग और दीक्षा दीदी लॉन्ग राइड पर जा रही है जीटी में। देखो बंदा तो है नहीं, भाई घुमा रहे हैं आपके। तेरी भी तो बंदी है तभी तो दीदी को घुमा रहा है। बट दीदी पहली बार ही बैठे हो ना आप जीटी में, मतलब ऐसे लॉन्ग रूट पे, और दीदी को ना जीटी की फुल पावर चेक कराने वाले गाइस हम लोग, अभी ना फुल पावर खींचने वाले और रिएक्शन अभी गाइस। एक्चुअली ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है एंड आज तो ये पूरा हाईवे पे चली जाएगी ना, तो हाईवे पे हम लोगों को गाने का मौका मिल जाएगा, वहाँ पर बगाएंगे। बट अभी रोड मिलती है गाइस, बगाते हैं जीटी को और रिएक्शन चेक कराते हैं आपको मोहतरमा की। ये चेक करो हम लोग 120-130 तो इस पर आराम से पहुंच जाते हैं और वो भी कुछ पता नहीं चलता भाई, बस टेंशन ना इन बम्स की रहती है बिकॉज ये बम्स चेक करो ये आपको ना बहुत हल्के से बम्स लग रहे होंगे, बट इसमें ना जीटी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्वे कर जाती है और फिर पलट पलटने के चांसेस रहते हैं। तो ये रो हम लोग सेफ ही चलेंगे बिकॉज ये पहली बार इतनी लंबी राइड होगी हमारी, सो सेफ करते हैं ट्रैवल। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं प्रणव भाई की वर्कशॉप पर एंड हम लोगों को आते आते ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग चुके हैं। चेक दिस आउट, जीटी में ना फ्यूल भी खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट लाइक 42 किलोमीटर दिखा रही है, विच मीन्स अभी इस पर फ्यूल अप कराना पड़ेगा नहीं तो फिर ये स्टार्ट नहीं होगी गाइस। फिलहाल अभी जीटी अंदर घुसाते हैं। भाई क्या हाल है तेरे? मस्त, हवा हवा कर दिया आपने पूरी गाड़ी में। हट जाओ हट जाओ, मेरी बहन से 2-2 फीट की दूरी पर, मेरी बहन से 2-2 फीट की दूरी पर। और भाई नाराज तो नहीं होते, गुस्सा तो नहीं हो गया? ड्रोन की बैटरीज क्यों नहीं चार्ज करी है बता दो, बस एक बात बता दो, बस ड्रोन की बैटरीज क्यों नहीं चार्ज करी है? कितना उड़ा लोगे? कितने उड़ा लोगे देख देना। गुस्से में बोल रही कितना उड़ा लोगे देखती हूं। गाइस लेने भेजा था मैंने अपनी अपनी, और ये हर्ष की जैकेट क्यों पहन ली? कुछ बोल के दिखाए कर दूंगी, बस हल्का सा यही करना था तो हम घर पे कर लेते, हमें बता देते भैया, हमें बता देते करने के लिए। ये कोई नहीं भैया, मस्टैंग में ही तो ठोकरे पड़ रही है गाइस। फिलहाल ऑलमोस्ट ये ना सेटल हो चुका है, एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही थी, जो इसका ये डोर था ना ये इसके लाइनअप पे नहीं आ रहा था एंड उस कारण से ना ये फिर ऊपर नीचे हो रहा था। फिलहाल ये बोल तो रहे हैं सही हो गया, तो अभी हम लोग टेस्ट करके देख करके आने वाले हैं कि इसमें हवा आ रही है नहीं आ रही है। फिलहाल अभी गाइस दो गाड़ियां हो रही हैं, फिर यहाँ ना भीड़ भी होना शुरू हो चुकी है, तो जीटी को फटाफट बाहर निकलवाते गाइस और एक बार टेस्ट राइड लेकर के आते हैं इसकी। प्रणव भैया के ऑफिस के बाहर इतनी भयंकर भीड़ हो जाती है ना गाइस, भैया इसे हाईवे पे टेस्ट करो। पहुंचे थे वापस और हमारा अभी भी आ रही है और प्रणव भैया बता रहे हैं क्या टेंशन है, ये गैप आ रहा है इसमें, क्यों यहाँ से तो ये बंद है, यहाँ से ये गैप आ रहा है, छोटे दरवाजा लटका हुआ है पूरा बंद हो गया और ये गैप आ रहा है इसमें, ये हो जाएगा ना बेटी इतने एरिया में टाइम लगेगा इसमें। कोई नहीं भैया कर दो, मैं हवा के साथ नहीं लेके जाना चाहता गाइस 1 किलोमीटर पे। यहाँ से भी ना ये कोई जरूर इस पे लटका है दरवाजे पे, ये देख ये बॉडी के पैनल के हिसाब से ये दरवाजे की लाइन नीचे है, ये दरवाजा ऊपर होगा। सो गाइस गाइस प्रणव भैया ने ना गोलीबाजी दे दिया, प्रणव भैया पहले जा रहे थे अब नहीं जा रहे हैं और ये सब लोग मनाने के लिए, मनाओ भाई मनाओ, बोलो चलो ऐसे करो देश रंगीला रंगीला, चलो भैया चलो यार भैया चलो गोलीबाजी हो, चलो चलो पापा की तबियत मेरी भी ठीक नहीं है भैया, मेरी खुद की तबियत खराब हो रही है, चलो चलो गाइस चलो गाइस, अगर प्रणव भैया बाहर रोल क्रिएट हो रही है गाइस, बाहर तो अलग ही भीड़ हो रही है कसम से, हम लोग अभी प्रणव भैया को मना ही रहे और बाहर बाहर के सीन्स का बाहर आराम से बस गाड़ी से आराम से
भाई गाड़ी से आराम से दो मिनट तो बाहर ही आ रहे बस दो मिनट दो ठीक है भाई गाड़ी से आराम से दो मिनट तो बाहर ही आ रहे। गाइस प्रणव भैया ना बहुत गोलीबाज इंसान है सच्ची में, पहले बोला जयपुर चलूंगा फिर उसके बाद एंड टाइम में आकर के गोलीबाजी दे दी। भैया चल लो यार नहीं जा सकते, जाता मैं चलना लेता मैं कल तो बोल ही रहा था तेरे को है। मेरी भी तबीयत खराब है भैया सच्ची में, हर्ष को कांग्रेचुलेशन। और सो गाइस अब मैंने एक्सपोज वीडियो बना रहा हूँ प्रणव भैया पे कि प्रणव भैया छोड़ के जा रहे हैं हम लोगों को। कौन मार रहा है बाबू भैया, जहाँ कलेश है वहाँ गाइस बहुत भीड़ हो गई बार, एक अंकल मार रहे हैं बच्चों को, भाई मत करो यार बच्चे ही तो हैं। बट द थिंग इज गाइस याद रहेगा प्रणव भैया हम लोगों को। गाइस शपथ खा लो एक बार ही धोखा देते हैं, अनफॉलो करो। चल लो भैया प्लीज, इतना तो मैंने अपनी बंदी को भी नहीं बनाया। अगर मैं इतना किसी बंदी को बनाता ना पता चरण छूती हो मेरे, बोलती पतिदेव आप आ गए। चलो यार प्रणव भैया सच्ची में चलो। अरे उठाओ उठाओ क्या चार बंदे भी नहीं लगे, चार बंदे से ज्यादा लगे। देख रहे हो ट्रेन मंगाओ, फ्लैट बेल्ट मंगाओ। इस बच्चों ने तो कोरा मचा रखा है फिलहाल, अभी हम लोगों को जीटी को यहाँ से बाहर निकालना यार। अरे लुंडों को कैसे निकाल पाएंगे, भाई रैम्बो तो मर गया भाई। नहीं जो आपने नया लिया रैम्बो, नया वाला तो गाइस ये दिया हमको किसने, थैंक यू। चलो बाय बाय गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। ओके भाई चलो ठीक है भाई, ओके बाय, ओके बाय 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 गाइस, थोड़ा निकलने दो दीदी अम्मी। तो यार हम लोग निकल ही गए फाइनली हरिद्वार से, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। एंड व्हाट हैपेंड, बीच में ना एक अंकल आ गए थे गाइस, वो ना बच्चों को बहुत ज्यादा मार रहे थे, तो प्रणव भैया को गुस्सा आ गया। प्रणव भैया ने बोला भाई ये फैंस हैं क्यों मार रहे हो उन्हें, तो प्रणव भैया और उन दोनों की थोड़ी झड़प भी हो गई थी। एक्चुअली यार इतना ज्यादा प्यार है ना हर एक जगह से कि फिर यू नो रोड जाम होने लग जाती है लोकेलिटी में भी अभी, बट हरिद्वार से तो अलग ही मोहब्बत है गाइस। फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं रोड ट्रिप के लिए, एंड अभी हमारी जीटी में फ्यूल भी बहुत कम है गाइस, केवल 25 किलोमीटर का। तो अभी हम लोग रुक रहे एक फ्यूल स्टेशन पे यार फ्यूल भराने के लिए। सो गाइस अभी हम लोग रुके थे फ्यूल स्टेशन पे अपना फ्यूल बनाने के लिए, एंड लूसी में भर रहा है गाइस फ्यूल। और इस लूसी के आज के दीक्षा दीदी भर रही है आधा फ्यूल, आधा खर्चा दीक्षा दीदी ले रही है, और रहने और खाने पीने का खर्चा भव्य ले रही है। तो चिंता मत कर, सारा खर्चा हमारा है, तुम लोग तो इतने से तो हम बड़ी दीदियों का फर्ज होता है तो खर्चा उठाने का। और ये तो दादा कर, तू भी मत कर, मैं उठाऊंगी तुम लोग का सबका खर्चा। गाइस ऐसे नल्ले भिकमंगे कोठी बंगले वाले लोग ना भाई। गाइस हम लोगों ने ना फ्यूल अप करा लिया था, और ये देखो इतने क्रेजी लोग जा रहे हैं ना गाइस इस रोड ट्रिप पर, ये सीरीज बहुत अमेजिंग होने वाली है। फिलहाल अभी गाइस दोनों गाड़ियों में फ्यूल अप हो चुका है, थार में भी फ्यूल अप हो चुका है और जीटी में फ्यूल अप हो चुका है, बट थार ना वॉश नहीं है तो भाई अपेक्षा को बोलेंगे वॉश कर दे, जैसे अपेक्षा के पास बोलेंगे बोलेंगे वॉश करके, सुबह वैसे ही वॉश कर देंगे ना। सो गाइस वी आर रेडी टू गो, लेट्स गो, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और मेरी बहन ने ना सीट चेंज कर ली, हां भाई मेरी बहन ने देखा सीट चेंज कर ली, नल्ले इंसान नहीं आ रही ना तू। अरे आऊंगी आऊंगी, कब तू आएगी, आने नहीं दूंगा फिर, दिल्ली पहुंचने दे आ जाएगी वो। अरे चल अरे चल, आ रही हूं देखो मेरे साथ जा रहे हो बाबा। अरे अब तो जा ही रही, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ यार हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे कसम से भाई, इतना फन करते हुए जा रहे ना हर आधे आधे घंटे में, तो हम लोग रुक रहे गाइस और ये ट्रिप ना शुरू ही हुई है, लेट्स गो। अरे वहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर, सोनाली फिर सोनाली को भेजो सर, वहाँ बैठ जाओ। अरे नहीं कोई नहीं, दिख गई हर चौक, दिख गई उधर लगा दो ना, उधर लगाओ रेस, दो जरा रेस, रेस देना तेज, सुपर कार है, V8 इंजन, V8 इंजन ऐसा सुपर कार। क्या हो गया, बैक लगानी है क्या, साइड लगानी है, साइड लगानी है सर, उधर लगा दे है ना, क्या चेकिंग चल रही है क्या, पेपर्स है ना। हाँ सर देहरादून लोकल नंबर है हम लोग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दो मिनट चेक करवा लो सर, साइड लगा दे।
आगे लगा ले सर, मुड़ेगी नहीं, बेस बहुत लो है इसका। हर्ष को बोलना पीछे ले, पीछे गाड़ी है सर, अपनी गाड़ी है वो भी, आगे लगा लेते सर, मुड़ेगी नहीं ना सर ये। हाँ लगाए सर, उतरू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ जिसमें गाड़ी का नंबर मेंशन होता है, वो उनसे कॉल करता हूँ भाई, हमारी साइड में आके ओके आरसी आरसी आरसी। अरे सुनो, वरना ना निकल जाए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का मॉडल, मैक नंबर, एवरीथिंग, वो सब कुछ मेंशन होता है, इंजन नंबर, चैसिस नंबर, टीम मैनेज करके मंगा देते गाड़ी को, टीम सपोर्ट मस्टैंग चला रहे। अरे डीएल भी दिखा दे यार, आने से मेरी वाली सारी गाड़ी से मेरी वाली मशीन लिया ना आरसी यार, वो कलम भिजवा रहा है मेरे को, यहाँ चेकिंग चल रही है ना हरिद्वार में, मेरे को आरसी पड़ी है मेरे पे, वैसे आपने मेरे को भेजी थी, और आपने भेजी है ना मेरे को, हाँ मैं हाँ यार, पर वो महिंद्रा का शोरूम है यार, हेमलो जी आज वो कांड हो ही गया गाइस, जहाँ पर हमें ना पुलिस वालों ने रोक लिया। एक्चुअली व्हाट हैपेंड मैं आपको बता देता हूँ, कोई गाड़ी है गाइस, कौन सी गाड़ी थी, वेंटो वरना, एक गाड़ी है गाइस वरना, जो ना टक्कर मार के हम मोटर मोटर करके भगे, कुछ आई डोंट नो पूरा सीन क्या है, बट पुलिस वाले ना वरना को ढूंढ रहे थे एंड बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग थी, तो पुलिस वाले जो सर थे उन्होंने मेरी गाड़ी रुका ली थी एंड उसके बाद प्रॉपर चेकिंग चुकिंग करी, हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखाते थे, वी आर फाइन टू गो गाइस एंड हम लोग निकल गए, बट बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग किया यार सच्ची, मतलब उत्तराखंड में ना इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग है नहीं। दिक्कत यह गाइस, अब इसका नंबर ना UK07 पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इसका नंबर ना अभी HR, तो फिर यू नो उत्तराखंड में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है बाहर की गाड़ी को लेकर के, फिलहाल हम लोग ईजी निकल गए थे। बट गाइज अभी हम लोग पहुंचे हैं हाईवे पे और ये चेक करें, ठीक है मैं सुनाने वाला हूँ गाइज थोड़े से रेड फॉर्म, और हम लोग फाइनली पहुंच चुके अपेक्षा के फ्लैट पर, इधर हम लोगों ने पार्क करी अपनी GT और उधर हम लोगों ने पार्क करी अपनी थार, यहाँ के ओनर है गाइज वो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं तो पार्किंग का कोई टेंशन है ही नहीं, फिलहाल मैं GT को कवर नहीं कर रहा हूँ, गार्ड भैया है मैंने उन्हें बोल दिया, मेरे को फोटोज का कोई टेंशन नहीं, बट प्लीज़ लोगों को बोलना कि नो इसके ऊपर ना बैठे बिकॉज इसका बोनट पर फिर दिक्कत आता है। एंड गाइज मीट आर लौंडा, हाँ भाई क्या हाल चाल, फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं, आज क्या बनाया अपेक्षा खाने में, राजमा चावल बस और रायता जो पूछा था वही बनाया, ये इतना ध्यान रखती ना ऐसी दोस्त भगवान सबको दे गाइस, तो फ्लैट में आपको खाना भी खिला दे, रहने के लिए जगह भी दे दे और ध्यान भी रख के। और गाइस हियर इज आवर दूसरा दोस्त, इसका नाम क्या है, हूज यू, हूज यू भाई, एक दिन से रात को कॉल कर रहे बोल रही हूज यू भाई, इंग्लिश तो खतरनाक है गाइस, हू यू हूज यू, बोल रही हू यू,
हर्ष जब तेरे बच्चे होंगे ना यहाँ एडमिशन करा देंगे, देखना इसके अंदर मेरे वाले इस वाले में है ना भाई। बढ़िया बढ़िया जी, मेरी वाले बच्ची का आया है, अपेक्षा रहेगी तेरे वाले बच्ची का आया है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट में, और गाइस इतनी सारी लड़कियां हैं इस ब्लॉग्स में, बैंग कर दो, तीन चार, दो हमारी ऊपर चली, ओ सॉरी बब्बे तो लड़का है हमारा, मतलब ऊपर जा चुकी है, फ्लैट पे चली गई, फ्लैट पे चली गई। आज तो एक की बहन भी आई हुई है, पांच चार, खुशी खुशी ठिकाना नहीं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आशियाने, चेक दिस आउट फाइनली, व्हाट्सअप क्या हाल है, बढ़िया गाइस, एक और लड़की मिल चुकी है हम लोगों को भाई। आपको इस ब्लॉग में ना केवल लड़के लड़के दिखेंगे, फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ भाई ये देखो दो लड़कियां और दिख गई हमारे, मैं ब्लॉग में लड़कियां ही लड़के दिखा रहा हूँ इस बारे में, कैसे हो? अरे यार इतने दिन बाद मिल रहे हो, सब बढ़िया, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, और मैंने आपके ब्लॉग्स देखे, बहुत अच्छा लगता है आपके लिए, आप जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, मैं आपके लिए किलो लाना बोल दूं। और कैसी है? तूने मेरी बहन को कैसे मारा? गाइस आप लोगों को पता है हम लोग ना असम आ ही रहे गाइस, और ये चेक करें 3-2-1 बोलो जॉय अकोम, अब बोलो केला केला, केला अरे फेमस डायलॉग है हाँ, केला केला। तो गाइस फाइनली हम लोग खाना खाने पहुंचे हैं, हेरे सर खाना गाइस हम लोग खा रहे हैं फाइनली खाना, एंड ये वाला व्लॉग ना मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। कल मैं सोच रहा हूँ यार कि ना मैं जीटी का जो स्पॉइलर है ना उसे मॉडिफाई करा करके आराम से हम लोग जयपुर निकल जाते हैं, तो मे बी शायद कल मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। मैं सुबह उठ करके देखता हूँ कहाँ पर किसको कॉल करना है, बाकी उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। दिस इज यू की जरूरत से साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस।